इतनी भी है। अरे चूहा उगल रहा है वो। क्रॉप कर दे जो। कट कर देना प्लीज इसे। हेलो फैम, दिस इज मान्यता हियर। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्नेक सेवर फैमिली। आज हमें हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक लाखरोरा करके गांव है, वहां से स्नेक रेस्क्यू का कॉल आता है। वहां एक योग दर्शन करके योगा सिखाने वाला आश्रम है, उसके बाजू में एक छोटा सा रूम था जो कि उसमें एक फैमिली रहती थी, एक छोटा सा बच्चा और उसके मम्मी पापा। और उनके घर में काफ़ी सारे चूहों के बिल थे और उसमें से एक बिल में उन्होंने सांप को जाते हुए देखा था। काफ़ी लंबी खुदाई के बाद हमें वो स्नेक मिला और हमने उसे रेस्क्यू किया, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हम नहीं डाल सकते यूट्यूब पे, सो हमने थोड़ा सा क्रॉप किया है और धीरे धीरे आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो अब देखिए कौन सा स्नेक था और हमने उसे कैसे रेस्क्यू किया। वहीं पे है। बाहर ना ले इसे। लगा होगा। अरे चूहा उगल रहा है वो। हाँ ओके, शू कराने तो। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने लगभग 4 से 4.5 फीट का एक कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया है और ये इसने कुछ खाया हुआ था, इसलिए जब हमने उसे रेस्क्यू किया तो वो ज़्यादा हिल नहीं रहा था। और उसके बाद उसने जो भी खाया हुआ था, 2 चूहे खाए हुए थे, वो उसने निकाल दिए। उसकी फ़ोटोग्राफ है, ये आप देख सकते हो। तो चूहे तो मर चुके थे क्योंकि उसके पेट में थे, लेकिन स्नेक को हमने आसानी से रेस्क्यू कर लिया है। और रात का टाइम था इसलिए कुछ ढंग का वीडियो नहीं आ पाया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना बढ़िया वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। तो आपका ढेर सारा प्यार हमें कमेंट बॉक्स में और आपके लाइक्स के द्वारा आप दे सकते हो। अब चलते हैं इस स्नेक को रिलीज़ करने के लिए। बस तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जैसे इन्होंने हमारा लगभग 45 मिनट तक वेट किया, हम लोग 45 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँचे क्योंकि रास्ता भी ठीक नहीं था और काफ़ी लंबा रास्ता था। तो इन्होंने हमारी वेट की, उस सांप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वो जहाँ जा रहा था सिर्फ उस पर नज़र रखी। बस आप लोग भी यही करें, आपके नज़दीकी स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल करें और उनका वेट करें, उनके आने तक उस सांप को मार ना
डाले और उसे कोई नुकसान भी ना पहुंचाए या खुद से भगाने की कोशिश ना करे, उससे स्नेक रेस्क्यूअर की जान को भी काफ़ी खतरा होता है। हम लोग ये फील करते हैं, हर रोज़ फील करते हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं। तो आपसे भी यही निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल करता है तो आप उसे उसके आने तक वेट कीजिए, सांप को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए या उसे परेशान ना करें। थैंक यू सो मच।